हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वर्टर की फिटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने ये एक इन्वर्टर रखा हुआ है और एक ये बैटरी रखी हुई है। बैटरी भले ही देखने में छोटी, पर ये आपको डेमो के लिए रखी है। आमतौर पर बैटरी हम 150 एएच, 135 एएच या फिर 180 एएच यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन्वर्टर के पीछे दो वायर निकले होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला रेड वायर होता है, ये हम बैटरी के सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए पॉजिटिव पॉइंट बना हुआ है, हम इस पर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव। और ये रहा हमारा नेगेटिव। देखिए बैटरी से कनेक्ट करने पर हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। अभी इसमें इन्वर्टर का करंट स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, आउटपुट लगाकर बता रहा हूँ। ये मैंने इस बल्ब के दोनों वायर इन्वर्टर के न्यूट्रल और फेस पर लगा दिए हैं, ये हमारी आउटपुट स्टार्ट होगी। लेकिन मेन वायरिंग अब स्टार्ट होगी। वायरिंग करने का तरीका यह नहीं होता है कि हम इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों ही लगाते हैं, हमें केवल फेस लगाना होता है और न्यूट्रल हमारा कॉमन रहता है। मैं बताता हूँ ये कनेक्शन कैसे होंगे। सबसे पहले इन्वर्टर के पीछे से, यानी जो इन्वर्टर का फेस एक सिंगल वायर निकालेंगे, वो हम इस बोर्ड में लेकर आएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा फेस आया हुआ है, फेस का वायर हमारे स्विच पर आता है। अब फेस, इन दोनों स्विच पर फेस आया हुआ, फिर इन दोनों से ये सॉकेट पर गया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो फेस ये आ रहा है ऊपर से, ये हम हटा देंगे। अगर हमें इस स्विच पर कनेक्शन देना है तो ये फेस हटाकर इन्वर्टर का जो सिंगल वायर आएगा वो हम इस पर लगा देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस पे से जो मेन फेस वायर आ रहा है वो हटा दिया है। इस तरह इस पर स्विच पर कोई भी फेस हमारा नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर जब इन्वर्टर से जो सिंगल वायर आएगा ना, वो हम यहाँ पर फेस का लगाएंगे, तो उस फेस से हमारे सॉकेट में करंट आएगा और इस सॉकेट में प्लस इस स्विच में उसी से करंट आएगा। और हमारे स्विच के थ्रू हमारा जो भी इक्विपमेंट चलता होगा, जैसे मान लीजिए सॉकेट है या फिर हमारा फ़ैन है या फिर ट्यूबलाइट है या जो कुछ भी है, वो सब हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन हो जाएगा, ताकि लाइट आने पर भी उसमें सीधे जो मेन फेस आएगा वो इन्वर्टर के थ्रू होकर आएगा, और लाइट जाने के बाद जो उसमें करंट आएगा वो इन्वर्टर के थ्रू ही होकर आएगा, और बाकी हमारे और पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहेगा इन्वर्टर। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये सिंगल वायर निकालने का हमारा लॉजिक क्या है। आप देखें इस बल्ब के दो वायर, इस बल्ब पे दो वायर हैं। अब मैं एक ही न्यूट्रल से यहाँ से कॉमन कर देता हूँ, मैंने कॉमन कर दिया। अब मैं दूसरा सिंगल वायर बचा, ये कॉमन वायर में वो हो गया, जैसे कि आमतौर पर हमारे लाइन में कॉमन हो जाता है, ये समझिए हमारा स्विच में आया हुआ है। अब मैं इन्वर्टर के पीछे देता हूँ सिंगल वायर राइट हैंड साइड पर, ये देखिए हमारी आउटपुट स्टार्ट हो गई। सेम यही लॉजिक है, हमारा न्यूट्रल कॉमन आएगा, सिंगल वायर हम निकालेंगे फेस का, और जो स्विच वगैरह हमें लेना है जिस पॉइंट पर हमें कनेक्शन है उसमें हम सीधा फेस का ही सिंगल वायर देंगे, इससे हमारा इन्वर्टर कनेक्शन हो जाएगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार के नए वीडियो दिखाते रहें। थैंक यू।